नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बड़े होंगे। तो आज हम जीके के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन वन है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कराची शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये कराची जो शहर है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आसवान बांध नील नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी? तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगत्जी। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, और ये अफ्रीका में 6,600 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद है क्वेश्चन, बांग्लादेश की राजधानी? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की आधिकारिक भाषा? तो श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है सिंहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीव किस देश की राजधानी है? तो कीव किस देश की राजधानी है? यूक्रेन की। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से कौन विश्व का सबसे छोटा देश है? तो विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीला किसकी राजधानी है? तो मनीला है फिलीपींस की। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन बीच किस देश में है? तो ग्रीन बीच इंग्लैंड में है। अगला है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मिलन स्थल दोहा किस देश में स्थित है? तो ये कतर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विस्थापित तिब्बती सरकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है भारत धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो जो हिरोशिमा है वो जापान में स्थित है, और इसी पर पहला परमाणु बम गिराया था। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को आमतौर पर लौंग का टापू कहा जाता है? तो जंजीबार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कॉफी का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील को कहा जाता है। कंबोडिया का पूरा नाम था तो क्या था? कंपुचिया। अगला क्वेश्चन है, हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थाईलैंड का पुराना नाम सियाम। थाईलैंड का पुराना नाम है सियाम। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो विश्व में प्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में चली, और भारत में 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस देश में विश्व का प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ था विश्व का प्रथम रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी सड़क है? तो विश्व की सबसे लंबी सड़क है पैन अमेरिकन मार्ग महामार्ग। अगला है, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? तो ये US में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में कृषि के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो भारत का। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक रबड़ पैदा करने वाला देश? तो सबसे ज्यादा रबड़ पैदा करने वाला देश है मलेशिया।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक कौन है? तो कौन सा देश है? ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सेब का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? तो सबसे ज्यादा कौन है? चीन। चीन इन ऑप्शन में से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो ये है चिली। अगला क्वेश्चन है, चतुर विश्व किन देशों का समूह है? तो तेल उत्पादक देश ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? नहीं है तो कोयला नहीं है, बाकी क्या है नवीकरणीय के स्रोत हैं। अगला है, काला सोना किसे कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन है? चीन ऑप्शन ए। अगला है, विश्व ऊर्जा क्षेत्र में पेट्रो केराइव की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर है, एक ऊर्जा सहयोग समझौता जिसके अंतर्गत वेनेजुएला द्वारा 17 लातिन अमेरिकी देशों को रियायती दरों पर कच्चे तेल की आपूर्ति। अगला है, कौन सा देश हीरा तराशने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बेल्जियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है? तो ये करता है रूस। अगला क्वेश्चन है, यूएस की सिलिकॉन वैली घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा सबसे अधिक प्रदूषित शहर है? तो कौन सा है? दिल्ली इनमें से। दो पहिया वाहनों से किस प्रकार का प्रदूषण फैलता है? तो इस दो पहिया वाहनों में से एयर प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल वाहनों के द्वारा उत्सर्जित गैस जो वायु को मुख्य रूप से प्रदूषित करती है, तो कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर किस तरह के प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ग्रीन मफलर ध्वनि को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण करता है? तो कौन करता है न्यूनतम प्रदूषण? हाइड्रोजन। अगला है, ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित होता है, तो किसके कारण होता है? अमल वर्षा के कारण। अगला है, सबसे अधिक वायु प्रदूषण स्रोत रोडवेज। अगला है, स्टोन फ्लाई एक सूचक है, तो ये है जल प्रदूषण का। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल सबसे अधिक खतरनाक प्रदूषण छोड़ता है, तो क्या छोड़ता है? लेड। अगला है, जलाशयों के अंदर उर्वरकों के अतिरिक्त निष्करण से उत्पन्न होता है, तो क्या होता है? यूट्रोफिकेशन, सुपोषण। अगला है, यदि नदी के जल का बीओडी अति उच्च पाया जाता है तो इसका अर्थ है कि जल अत्यधिक प्रदूषित है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, शीशा रहित पेट्रोल से जोड़ा जाने वाला प्रत्यवाह एंटिनोव कारक है, तो क्या है? ट्रेटा एथिल लेड। ऑप्शन ए इसका सही है। उसके बाद देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार, तो 7 देशों के साथ लगती है भारत की सीमा। कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, उसके बाद म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये 7 देश हैं जिनके साथ भारत की सीमाएं लगती है। उसके बाद है कुछ जैसे भारत के अंतिम सीमा बिंदु, तो दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप,
उत्तर बिंदु है इंदिरा काल जम्मू कश्मीर, और पश्चिम बिंदु है गौर मोता गुजरात, पूर्वी बिंदु है किवितु अरुणाचल प्रदेश, और मुख्य भूमि के दक्षिण सीमा कन्याकुमारी है। उसके बाद है शॉर्ट में, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है तथा गोवा सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद है, जनसंख्या दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है तथा सिक्किम सबसे छोटा है। उसके बाद है, भारत के 8, 9 राज्यों एवं 5 केंद्र शासितों की सीमाएं समुद्र के साथ लगती है, बाकियों की आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका आंसर है राजस्थान। उसके बाद है क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर का, 23 दिसंबर का, 21 सितंबर का, 21 जून का। तो इसका आंसर है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अगला है, भारत में विश्व का कितना भौगोलिक क्षेत्र है? तो भारत में विश्व का 2.4% है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा स्पर्श नहीं करता? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। तो हरियाणा पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा स्पर्श नहीं करता। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, सॉरी, भारत विश्व के किस स्थान पर स्थित है? तो 7वें पर। अगला है, 3 देश ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के 5 राज्यों से मिलती है, उनमें से 2 हैं चीन और नेपाल, तीसरा कौन सा है? बांग्लादेश। अगला है, इंदिरा पॉइंट स्थित है, तो इंदिरा जो पॉइंट है वो अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसका सबसे लंबा समुद्र तट है? तो आंध्र प्रदेश का है। अगला है कि निम्न राज्यों में से किसकी समुद्री सीमा नहीं है? तो बिहार की नहीं है। अगला है कि भारतीय तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो भारतीय तट रेखा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। आगे है, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा निम्न राज्यों में से किस राज्य से गुजरती है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार। आंसर है इसका राजस्थान। अगला है, कर्क वृत्त रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, छत्तीसगढ़। तो मणिपुर से नहीं गुजरती। और गुजरती किन किन देशों से है अभी बताया मैंने, तो ये गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे गुजरती है। उसके बाद आता है, निम्न में से कौन सा गलत है? तो उसका है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व की कुल भूमि का 4.2% है, क्योंकि इसका जो परसेंट है वो है 2.4। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूता है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मुनार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मुनार की खाड़ी है तमिलनाडु के पूर्व में। अगला है, सबसे अधिक 8 राज्यों को किस सीमा रेखा छूती है? तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है?
तो इसमें है सतपुड़ा रेंज। अगला है अरावली पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो ये है फोल्डेड पर्वत का। अगला क्वेश्चन है जुजुला दर्रा किन के बीच में स्थित है, इंपॉर्टेंट है कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच में। अगला है हिमालय दर्रा बमडला किस राज्य में अवस्थित है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा जैव क्षेत्र किस राज्य में रेखांकित किया गया है, तो ये किया गया है सिक्किम में। अगला है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, केरल तमिलनाडु कर्नाटक राजस्थान, तो ये है गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। अगला है निम्न में से कौन सा राज्य अरावली पर्वतमालाओं से संबंधित नहीं है, तो ये है पश्चिमी बंगाल। अगला है निम्न में से कौन से राज्य में सिपकिला दर्रा पास है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो हाईएस्ट पीक कौन सी है, K2 काराकोरम द्वितीया, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है निम्नलिखित में से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी माउंट एवरेस्ट शिला हिंदू कुश, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नंदा देवी, और हिमाचल प्रदेश की है शिला। अगला है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रा गिरी। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक 732 मीटर स्थित है, कहाँ है, तो ये है उत्तरी अंडमान में स्थित। अगला है पर्वत चोटी K2 कहलाती है, तो ये कहलाती है गोडविन ऑस्टिन। अगला है कंचनजंगा क्या है, तो कंचनजंगा पर्वत चोटी है। अगला है पश्चिम से पूर्व तक दिए गए पर्वतों का सही क्रम, तो गौरव खासी चैंतिया नागा ये हैं। अगला है नाथुला दर्रा सिक्किम कितने वर्ष पश्चात पुनः खोला गया है, तो ये 44 वर्षों के पश्चात खोला गया है। अगला है नाथुला दर्रा जोड़ता है, नाथुला दर्रा किसको जोड़ता है, सिक्किम और तिब्बत को। विख्यात पुष्प ब्रह्मा कमल नैसर्गिक रूप से उगता है, तो ये है हिमालय पर्वतमाला में। अगला है कौन सी पर्वत चोटी भारत की सीमा रेखा से बाहर स्थित है, तो ये है धौलागिरी। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है, तो ये है निकोबार द्वीप। अगला है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप एक दूसरे में पृथक होते हैं, तो 10 डिग्री चैनल द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्न कौन सी नदियों का समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी कावेरी कृष्णा नर्मदा, कृष्णा गोदावरी इत्यादि, नर्मदा गंगा ब्रह्मपुत्र, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी। ये तीन नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है गुवाहाटी नगर किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है। अगला हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये मूसी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है इनमें ऑप्शन में से। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ गंगा, तो आंसर है इसका अयोध्या। अगला है सोहनी महिवाल पॉइंट किस दरिया के किनारे है, तो ये है चिनाब नदी के किनारे, कहां पर स्थित आप कमेंट करके बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है किस नदी को का उद्गम बेरीनाग है, तो झेलम जो नदी है वो उसका स्थान बेरनाग है। अगला है
निम्न में से कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे है? तो चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर है? कोटा। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती? तो इनमें से कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। अगला है, डैश गंगा की सहायता नदी नहीं है, तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है, कौन सी नहीं है? सतलुज। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी किस प्रदेश से नहीं गुजरती? यूपी, बिहार, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल। तो हरियाणा से नहीं गुजरती। अगला है, बाण गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बाण गंगा किसकी सहायक नदी है? ब्यास की। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो ये नर्मदा नर्मदा नदी है। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी बिभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये है ताप्ती। अगला है, भारत में यारलुंग जाम्बो नदी को इस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। पश्चिमी बंगाल की शोक नदी दामोदर। अगला क्वेश्चन है, अगर सागर में कौन सी नदी, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो उनमें से कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। अगला है, नर्मदा नदी का उद्गम होता है, तो इसका होता है अमरकंटक से। अगला है, सुंदरबन स्थित है, तो सुंदरबन पश्चिमी बंगाल में स्थित है। अगला है, राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो सतलुज और ब्यास से प्राप्त करती है इंदिरा गांधी नहर। उसके बाद आता है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर योजना कौन सी है? तो ये है इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील डैश में है, तो सांबर झील कहाँ है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने किसी एग्जाम में देखा है बीआरओ में, तो ये है राजस्थान में। सांबर झील राजस्थान में स्थित है। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है। अगला है, जोग फॉल किस नदी से संबंधित है? तो ये है शरावती नदी से। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक नॉट इन जे एंड के? बुलर, डल, पेंगोंग, चिल्का। तो इसका जो नहीं है जे एंड के में, वो है।